प्यारे स्टूडेंट, टेंस की इस अगले वीडियो में जैसा कि हम एक एक टेंस का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसकी पहचान गा गी गे होता है और इस टेंस में कोई भी काम भविष्य काल में पाया जाता है कि ये काम भविष्य काल में हो रहा है। और इसकी जब हम इंग्लिश में आते हैं तो आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी क्रियाओं के साथ यानी कि ही सी यू वी नहीं, दे के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसे बनाएंगे। मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई शैल राइट ए लेटर, पत्र का स्पेलिंग लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे, वी के साथ शैल, वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। कल की स्पेलिंग इसमें टुमारो होती है और जब हम पास्ट टेंस बना रहे थे तो उसमें स्टर्डे होता है। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, तुम एक किताब पढ़ोगे। यू विल रीड ए बुक, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली कल यानी कि टुमारो। ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच कल अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। तो इस टेंस में हमारा शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हमारा निगेटिव सेंटेंस है, इसे बना लेते हैं नॉट लगाकर। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो अलीगढ़। कल की स्पेलिंग टुमारो, फ्यूचर में टुमारो लगाते हैं। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन में यानी कि दिन के दरमियान, ड्यूरिंग द डे। विल नॉट स्लीप, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। अब वी के साथ विल नहीं लगाएंगे, सेल लगा देंगे। वी सेल नॉट प्ले ए हॉकी मैच कल टुमारो। हम कल कपड़ा खरीदने दिल्ली जाएंगे। वी के साथ भी सेल, वी सेल गो टू दिल्ली टू बाई क्लोथ्स टुमारो। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसे हम बनाएंगे। क्या वो तुमको कुछ कलमे देगा? क्या यानी कि तुमको कुछ कलमे देगा, तो ये बन जाएगा विल ही गिव यू सम पेंस। विल ही गिव यू सम पेंस। क्या वे आम खाएंगे? विल दे इट मैंगोज।
क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? विल योर ब्रदर्स नॉट कम टुमारो? सीता कौन सा गाना गाएगी? कौन से की स्पेलिंग बदल जाती है, आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कौन सा, तो विच सॉन्ग विल सीता सिंग? सीता कौन सा गाना गाएगी? वो किसकी पुस्तकें खरीदेगा? किसकी पुस्तकें खरीदेगा? तो विच बुक कौन सा हो जाएगा? विच किसकी पुस्तकें खरीदेगा? विच नहीं, हुज बुक, हुज हो जाएगा, हुज बुक विल ही बाई? हम कल कहाँ जाएंगे? कहाँ वेयर सेल, वेयर सेल वी गो टुमारो? तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा? हाँ, हु विल बीट यू, बीट योर सन, हु विल बीट योर सन? वह किसकी मेज तोड़ेगा? किसकी मेज? हुज बुक, हुज टेबल, हुज टेबल विल ही ब्रेक? तो ये हमारा विल और सेल का, जब हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। तो हमारा ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस था। अब हम अगले वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी अध्ययन करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हमारी सारी टेंस नंबर से कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।